हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं और एक चैलेंज करने जा रहा हूँ, और वो भी पपेटियर के साथ। वाओ, ओके टू सिल्वर मेरा पार्टनर आ चुका है, और शकल से वो नया मैप आ चुका है, और रोल्स अभी हम बाद में देखेंगे। पहले मैं ये डोर क्लोज कर देता हूँ, और हनी भी मेरे साथ अटैच हो चुकी है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यार पपेटियर की एबिलिटी चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे मैं एनर्जी ड्रिंक लेके तो आया हूँ, और यहाँ पे मेरा पार्टनर ने लाइट ऑफ कर दी है, और क्यूपिड है मेरा पार्टनर, अंडरटेकर है, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। इतने में रेड ने मेरे को एक लवर बना लिया। ये वाली गेम तो मैं अभी से ही जीत गया, लॉल। और इतने में टाइम मास्टर ने टाइम रिवाइंड कर लिया है। अब सब लोग पीछे जा रहे हैं, और मेरी एबिलिटी यहाँ पे चार्ज हो चुकी है, तो अब मैं किसी को अपने यहाँ पे पपेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पपेट या ओनली पपेट किल चैलेंज होने वाला है, मैं नॉर्मल किल नहीं कर सकता। ओके, तो ये ग्रीन को मैं लॉक कर लिया है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कोर्ट यार्ड पे, लाइट भी वापस आ चुकी है, तो अब यहाँ से जो भी जाएगा मैं ग्रीन के थ्रू उसको मरवा लूँगा। और यहाँ पे पर्पल मेरा लवर आ चुका है, और वाइट गया, तो मैं जल्दी से ग्रीन को कंट्रोल कर लेता हूँ। और यहाँ पे वाइट यहाँ पे घूम रहा है, तो ये वाला मैंने वाइट को, और यहाँ से चला जाता हूँ। और रेड ने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है, तो चलिए देखते हैं भाई ये मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है। ग्रीन बेटा, कुछ बोलना चाहोगे? आई एम नूब भाई, ग्रीन सामने सामने मार के भाग रहा है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ग्रीन भाई सामने सामने मार के भाग रहा है, क्या गजब इंसान है, और स्पाई है नहीं गेम में जो ये भागेगा। क्या भाई, एक एक बात बोलो रेड, तू तू अगर ब्राउन के साथ था तो थम्स अप दिखा, और अगर तू ब्राउन के साथ था तो अब क्या ब्राउन हिल रहा था जब जब किल हुआ था तब, या एक जगह खड़ा था? अगर ब्राउन हिल रहा था तो ग्रीन को निकालो, अगर एक जगह खड़ा था तो ब्राउन को निकालो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ब्राउन भाई अपने सेफ हैं, ठीक है ना? मैं हनी भी हूं, मैं उनसे चिपका हूं। मैंने उन्हें बूस्ट दिया था, और वो हैकर है अपने, और वो हैकिंग कर रहे थे। अरे भाई, झूठ बोलने की भी एक हद होती है ग्रीन। रियल टाइम मास्टर मैं हूं बे। निकालो बे इस ग्रीन को, मैं इसकी डांट। लिटरली यहाँ पे आधी लॉबी तो मेरी ही टीम में है, और यहाँ पे ग्रीन चिल्ला के बोल रहा था कि वो टाइम मास्टर है, सिल्वर नहीं है, और ब्राउन ने मेरे को पपेट किया था, तो ब्राउन और सिल्वर इम्पोस्टर है। तो यहाँ पे ग्रीन चिल्ला के बोल रहा था, और तभी ग्रीन को वोट आउट कर देते हैं। और भाई ग्रीन ने अभी शायद से ये गेम अनइंस्टॉल कर भी दिया होगा, और उसने प्ले स्टोर में जाके दूसरी गेम इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि इतना गंदा जो ग्रीन को हमने निकाला है। भाई साहब, एक ब्लू ही था जो उसको सपोर्ट कर रहा था, और बाकी सब ने तो यहाँ पे ग्रीन को ही वोट आउट कर दिया। भाई ऐसा ग्रीन के साथ नहीं होना चाहिए था भाई, बहुत बुरा लगा होगा भाई ग्रीन को। भाई एक तो ऊपर से वो टाइम मास्टर था, उसने टाइम भी रिवाइंड किया था, और यहाँ पे मेरा पार्टनर यहाँ पे सैबोटास दे दिया। मैं तो सैबोटास नहीं दे सकता था। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज को कंट्रोल करने के लिए जा रहा हूँ ऑरेंज के पीछे पीछे। भाई सिल्वर ने मेरे को मार दिया, मैं भूल ही गया था कि मैं क्यूपिड के टीम में आ चुका हूँ। यार ये ग्रीन की बड्डुआ लगी है, ये जाते जाते बोल के गया था कि भाई तू नहीं जीत पाएगा। 12 seconds later. मुझे फिर से मिल चुका है पपेटियर। अब मैं हार नहीं मानने वाला हूँ जब तक ये चैलेंज कम्प्लीट नहीं होता है। और इस बार ग्रीन चाया हुआ है, मेरा पार्टनर यहाँ पे कंफ्यूज होने ही वाला है, ये तो लिखा ही होता है हर गेम में। और यहाँ पे मैं एक बार रोल चेक कर लेता हूँ, उससे पहले मैं डोर क्लोज करता हूँ, फिर बाद में मैं रोल चेक करूंगा। और मेरा पार्टनर इस बार ओके, चलो वो दोनों अलग अलग जा रहे हैं, और हनी भी मेरे साथ अटैच हो चुकी है। तो अब मैं रिएक्टर का सैबोटेज देने वाला हूँ, और अपना एक एनर्जी रिंग से अपनी एबिलिटी भी चार्ज कर दूंगा। तो ये रिएक्टर का सैबोटेज हो चुका है, अब जा रहा हूँ मैं सबके साथ रिएक्टर ठीक करने के लिए। और यहाँ पे मैं एक को कंट्रोल करूँगा, तो ब्राउन मेरे साथ आ रहा है, तो मैं ब्राउन को यहाँ पे पपेट करने वाला हूँ। ब्राउन को यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया है, तो अब रिएक्टर ठीक करने की भी थोड़ी एक्टिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सभी गेट क्लोज कर देता हूँ, अपर लोअर और सिक्योरिटी का। अब यहाँ पे मैं सबके सामने मारूंगा, तो अरे ये क्यूपिड ने मेरे को एक लवर बना दिया। व्हाइट को मैंने मार दिया, क्यूपिड को मार दिया, वो भी ब्राउन के थ्रू, और ब्राउन मेरा लवर है, और उसको ही मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। वही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं सेबोटास भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं यार लवर बन चुका हूँ। और ये पिंक, और एक मिनट, येलो कहाँ से आ गया? येलो मेरा पार्टनर था ना, येलो यानी कि येलो अपना इम्पोस्टर है, और पिंक यहाँ पे ग्रीन है। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई है मेरे से, लेकिन इम्पोस्टर मेरे को मिल चुका है, वो येलो है, और पिंक अपना ग्रीन है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि येलो मेरे को मार सकता है, तो मेरे साथ मेरा लवर भी मर जाएगा, और हम यहीं पे गेम हार जाएंगे। और देखो वाइट क्यूपिड था, मैंने उसको ही मार दिया। ठीक है, ऑरेंज और वहाँ पे पिंक थे, मेरे को याद है ऑरेंज और वहाँ पे पिंक थे, मतलब ऑरेंज और पिंक में से किम क्या है।
सियान को लग रहा है कि ऑरेंज और पिंक में से एक इम्पोस्टर है, तो मैं अपना नुबरा दिमाग यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना रोल ग्रिंच का बोल दूंगा और फिर मैं पिंक को वोट आउट करवा दूंगा। चीटिंग करता है तू। तो ये मैंने अपना रोल ड्रॉप कर दिया ग्रिंच का, और पिंक भी बोल रहा है कि वो ग्रिंच है, तो मैंने बोल दिया कि पिंक को वोट कर दो। तो यहाँ पे पिंक को वोट आउट कर दिया, और ये एक्सपर्ट मैच नहीं है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि पिंक इम्पोस्टर नहीं है, यानी ये लोग अब नेक्स्ट मीटिंग में मेरे को निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे अब कुछ नहीं होने वाला इन लोगों का, क्योंकि हनी भी और मेरा लवर मेरे साथ है, और मेरा पार्टनर इम्पोस्टर वो मेरे को ही सपोर्ट करेगा। और सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं मेडबे में सियान का मेडबे देखने के लिए। तो सियान यहाँ पे अपना मेडबे दिखा रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे एक कंट्रोल करूंगा। तो मैंने सोच लिया है कि मैं सियान को कंट्रोल करूंगा और फिर उसके थ्रू मैं ऑरेंज को मरवा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रिंक लगाया था, हनी भी ने मेरे को बूस्ट दे दिया है, मेरी एबिलिटी चार्ज हो चुकी है, और मैं सियान को कंट्रोल करने ही वाला था। इतने में भाई सियान ने मीटिंग बुला ली है। अब ये लोग मेरे को निकाले इससे पहले मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखो यार, मैं ग्रिंच नहीं था, मैं सियर हूँ, और मैंने येल्लो को स्कैन कर लिया है, और येल्लो का फ्रैक्शन इम्पोस्टर आया हुआ है, तो सबके सब येल्लो को वोट करो, येल्लो हमारा इम्पोस्टर है, येल्लो नहीं होगा तो मेरे को कर देना। यहाँ पे मैंने बोला तो था कि येल्लो को वोट कर दो, और येल्लो को यहाँ पे वोट आउट कर दिया है, और येल्लो यहाँ पे मीटिंग में से निकल चुका है, और येल्लो यहाँ पे इम्पोस्टर भी निकल रहा है, तो सब लोगों को लगेगा कि मैं सियर ही हूँ। लेकिन लोल, यहाँ पे गेम ही खत्म हो गया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मुझे पपेट करके मारने में मजा आ रहा था, तो मैं एक बार फिर से पपेटियर ले लेता हूँ, और इस बार मेरा पार्टनर ब्लू आया हुआ है। एक सच बात बोलो गाइस, पपेटियर का ना जितना अच्छा रोल होना चाहिए उतना अच्छा ये है नहीं रोल, क्योंकि इसकी प्राइस ना बहुत ही हाई है। आई थिंक 18,000 कुकीज की है, 18,000 कुकीज में पपेटियर मिलता है, यानी कि सबसे महंगा रोल है। और टाइम मास्टर की तरह ये इसकी एबिलिटी भी चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप एनर्जी ड्रिंक नहीं लोगे तो आपकी स्टार्टिंग में तो कभी एबिलिटी चार्ज ही नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात कि पपेटियर को ना किसी को लॉक करने के लिए ना उसके पीछे 7 सेकंड के लिए जाना पड़ता है, तो किसी भी अच्छे प्लेयर को ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन पपेटियर है। और साथ ही साथ आप किसी को कंट्रोल करोगे तो आप हिल नहीं पाओगे, आप वहीं पे खड़े रह जाओगे, तो ये पपेटियर की एक डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे मैंने रेड कंट्रोल किया था और सियान को मार दिया, सबके सामने कैमरा की लाइट भी ऑन थी, और यहाँ पे शहरीफ ने रेड पे ट्राई लिया और वो खुद मर चुका है। तो अब मैं रेड को दूर ले जा रहा हूँ, इतने में ऑरेंज ने मीटिंग बुला ली है, यानी कि ऑरेंज ने वहाँ पे देख लिया है, कैमरा की लाइट भी ऑन थी और सिक्योरिटी में भी 2-3 प्लेयर थे अंदर। भाई एक सेकेंड, लुको लुको, रेड भाई तो वैसे एक बात बोलो, पहले बता तूने, भाई तूने डबल किल कैसे किया? देखो भाई, रेड को निकाल दो, गेम में बीजे है, ठीक है, वो किसने क्या मारेगा, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं ना, ये रेड कैसे दो डबल किल कैसे किया यार? गेम तो वैसे बॉन्टी नहीं, अगर बॉन्टी होता तो डबल किल करता ना, तो ये कैसे डबल किल कर सकते हैं? तो मेरे पे माया काटा है, तो मैं अभी स्किप कर देता हूँ, मैं कुछ बोलने नहीं वाला। और यहाँ पे मैं आपको रोल भी दिखा देता हूँ, ये गेम में कितनी रोल आए हुए हैं। वो पपेट मास्टर ने कर रहा है डबल किल, क्यों हिला डाला ना? पर्पल को निकाल के देखते हैं, तुम लोगों का वेटरन हूँ, अभी एक पास आया ही नहीं मैं, इतनी देर से कैफेटेरिया में खड़ा हूँ, इसीलिए वहीं पर अपना सेफ रखा हूँ। यहाँ पे सब लोगों को लग रहा है कि भाई ब्लैक जैक मर चुका है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई मेरे पार्टनर ने उसको क्या गेस लिया। तो पर्पल अपना रोल इंजीनियर बोला था, शायद से उसने वेंट कर लिया होगा और वाइट ने उसे देख लिया होगा इसलिए बोल रहा है, और मेरे पार्टनर ने भी उसको देख लिया होगा इसलिए वो वहाँ पे गेस लेके उसको मार देता है। अब फिर से यहाँ पे गेम स्टार्ट होती है, अब मैं कैफेटेरिया का गेट क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी को कंट्रोल नहीं करने वाला हूँ अभी के लिए, अगर कोई मेरे को आसानी से मिल जाएगा तो मैं कर दूंगा, फिलहाल के लिए अभी तो मैं किसी को कंट्रोल नहीं करने वाला हूँ, कोई सामने से मेरे पास चल के आएगा तो मैं उसको कंट्रोल कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने एक अपना एनर्जी ड्रिंक लगा दिया है, और येल्लो वहाँ पे लाइट ठीक करने के लिए गया है, और कैमरे की लाइट ऑन हो चुकी है। टाइम मास्टर ने यहाँ पे टाइम ऑन किया है, यानी कि वाइट ही अपना टाइम मास्टर है, ये प्रूफ हो चुका है, वो लास्ट में बोला था कि वो टाइम मास्टर है, अब वो भी गेस होगा मीटिंग में। और यहाँ पे कॉमन टास्क पेस्कू का कार्ड सही पड़ा था, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और येल्लो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है, तो मैं येल्लो को यहाँ पे लॉक करना स्टार्ट कर देता हूँ, और ये येल्लो को मैंने लॉक कर दिया है, तो जल्दी से मैं येल्लो को कंट्रोल कर देता हूँ, क्योंकि अगर कोई मीटिंग बुला देगा तो मेरा ये लॉक फेल हो जाएगा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे को मार देता हूँ। टाइम मास्टर ने भाई रिवाइंड कर दिया, तो वहाँ पे रेड को तो यही लगेगा कि येल्लो ने उसको मारा है, लेकिन येल्लो को पता होगा कि मैंने उसको पपेट किया था, और वाइट ने यहाँ पे मीटिंग बुला दी है, तो चलिए देखते हैं भाई मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है। भाई टाइम मास्टर मैं हूँ, कोई रिवाइव हुआ तो बता दो।
दो बार टाइम रिवाइंड करके दिखा दिया, और मैं रोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्पल था अपना ब्लैक जैक, वो मर चुका है। तब अपना रोल बोलो जल्दी, तब रोल बोलो, ब्लैक जैक मर चुका है, मैं टाइम मास्टर हूँ। भाई सुनो, इसने भाई मेरे ऊपर पता नहीं भाई धुआं धुआं सा कर दिया भाई, और मैंने जाके भाई उसको अपने आप किल कर दिया भाई। मैं अपने आप भाई किसी ने करा भाई, मैं वहां पे जाके उस किसी को किल कर दिया था भाई। हाँ भाई, इस ब्लू को किल कर दिया था भाई, पिंक की पोस्टर है, गेम खत्म हो जाएगा, पिंक को वोट कर दो ठीक है, जीत जाएंगे गेम ठीक है। हलवाई क्या? तो मेरे पे माइक आता है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा रोल सिक्योरिटी का है, और मैंने कैमरे में देखा कि भाई ये येल्लो और रेड दोनों इलेक्ट्रिक फिक्स करने के लिए गए थे, और येल्लो ने रेड को मार दिया है, मैंने वहाँ पे कैमरा में देख लिया है। तो रेड को पूछ लो कि उसको किसने मारा है, और येल्लो को वोट कर दो, येल्लो हमारा इम्पोस्टर है। अरे टाइम मास्टर भाई, थैंक यू भाई, जैसे ही आप टाइम रिवाइंड किए उससे जस्ट पहले येल्लो ने मेरे को मारा था। आप लोग देख लो किसको वोट करना है, जस्ट पहले येल्लो ने मेरे को मारा था भाई। ये येल्लो है भाई, भाई ये पिंक, अब येल्लो निकालो क्योंकि उसने पिंक को गैस मारा था। तो मेरे पार्टनर ने यहाँ पे टाइम मास्टर को गेस ले लिया है, और वाइट जैक ने पता नहीं किसको गेस लिया है, येल्लो को ही लिया होगा तभी वो मरा है, और येल्लो को हमने वोट आउट कर दिया, और येल्लो यहाँ पे इम्पोस्टर नहीं है, वो न्यूट्रल निकला, यानी कि वो आर्सोनिस्ट होगा, और या तो फिर सर्वाइवल था, कौन सा रोल आया हुआ था न्यूट्रल में। और यहाँ पे गेम खत्म हो जाती है, और मैं और मेरा पार्टनर गेम जीत जाते हैं, यानी कि इम्पोस्टर गेम जीत जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये पपेटियर ओनली पपेट किल चैलेंज वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो पता ही आपको क्या करना है, और यहाँ पे आप सभी का रोल भी चेक कर लेना। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny imposter.